हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वैष्णवी स्वर्णकर मौदा उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बाल कहानी लेकर आई हूँ जिसमें हम बच्चों को एक गरीब किसान की और एक व्यापारी की कहानी सुनाएंगे, जिससे बच्चों का सामाजिक विकास होगा और नैतिक विकास भी होगा। तो कहानी कुछ इस तरह से है। एक दिन एक गरीब किसान एक व्यापारी जो ऊपर वाले का परम भक्त था उसके पास अपनी जमीन बेचने गया और बोला, सेठ जी, मेरी 2 एकड़ जमीन आप रख लो। व्यापारी बोला, क्या कीमत है? गरीब बोला, 50,000 रुपए। व्यापारी थोड़ी देर सोचकर बोला, वो ही खेत जिसमें ट्यूबवेल लगा है? गरीब, जी हाँ, आप मुझे 50,000 से कुछ कम भी देंगे तो जमीन आपको दे दूंगा। व्यापारी ने आँख बंद की, 5 मिनट सोचकर बोला, नहीं, मैं इसकी कीमत 2 लाख रुपए दूंगा। गरीब, पर मैं तो 50,000 मांग रहा हूँ, आप 2 लाख क्यों देना चाहते हैं? व्यापारी बोला, तुम जमीन क्यों बेच रहे हो? गरीब बोला, बेटी की शादी है इसलिए मजबूरी में बेचना है, पर आप 2 लाख क्यों दे रहे हैं? व्यापारी बोला, मुझे जमीन खरीदनी है, किसी की मजबूरी नहीं। अगर आपकी जमीन की कीमत मुझे मालूम है तो मुझे आपकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना, मेरा ऊपर वाला कभी खुश नहीं होगा। ये मेरी अंतर आत्मा की आवाज़ है। ऐसी जमीन या कोई भी साधन जो किसी की मजबूरियों को देख के खरीदा जाए वो ज़िंदगी में खुशी नहीं देता, आने वाली पीढ़ी मिट जाती है। व्यापारी ने कहा, मेरे मित्र, तुम खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो, इंतजाम मैं करूँगा। मेरे ऊपर वाले ने सदा ही हारे का साथ निभाया है तो मैं किसी की मजबूरी का क्यों फ़ायदा उठाऊं? देने वाला ऊपर वाला है, मेरा क्या है? गरीब किसान दोनों हाथ जोड़कर नीर भरी आँखों के साथ दुआएं देता चला गया। तो दोस्तों, ऊपर वाले ने हमारे देश को हर प्रकार की वस्तु और अपार संपदा से नवाजा है। लोग भोले भाले और मेहनती हैं, दुनिया हमारे युवाओं और उद्यमियों का लोहा मानती है। यदि हमारे नेता अंतरात्मा की आवाज़ सुन निस्वार्थ सच्ची जनसेवा करते तो भारत कब का दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया होता। दोस्तों, किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, किसी की मजबूरी ना खरीदें, किसी के दर्द मजबूरी को समझकर परोपकार करना ही सच्चा तीर्थ है, ऊपर वाले की सच्ची भक्ति की निशानी है। तो दोस्तों, ये कहानी आप अपने बच्चों को जरूर सुनाएं, जिससे कि उस नैतिकता का भाव, सामाजिकता का भाव उत्पन्न हो।